गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने अपने फर्स्ट चैप्टर वर्ल्ड टूर के हाफ क्वेश्चंस कर लिए थे. आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू आगे करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नन ऑफ द आइलैंड ऑफ दिस एशियन कंट्री लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन इज मोर देन 1.8 मीटर अबव सी लेवल. हमें उस कंट्री का नाम बताना है जो इंडियन ओशियन में लोकेटेड है, इंडियन ओशियन के अंदर है, लेकिन उसका कोई भी आइलैंड जो है वो सी लेवल से 1.8 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है. सो स्टूडेंट्स, इंडियन ओशन में कई सारी आइलैंड कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जापान है, इंडोनेशिया है एंड मालदीव्स हैं. लेकिन मालदीव्स के आइलैंड्स जो हैं वो सी लेवल से 1.8 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है. सो हमारा आंसर यहाँ पर होगा मालदीव्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल्सो नोन एज द लास्ट ऑफ लैंड्स एंड द लास्ट फ्रंटियर, इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द सेवन कॉन्टिनेंट्स. हमें सेवन कॉन्टिनेंट्स में सबसे जो छोटा कॉन्टिनेंट है उसका नाम बताना है. इसको हम और कई नामों से जानते हैं, जैसे कि द लास्ट ऑफ द लैंड्स, द लास्ट फ्रंटियर. सो एज वी ऑल नो, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रेलिया. ओके स्टूडेंट्स, the answer is Australia. Our next question is, this is the smallest country in the world and home to the head of the Roman Catholic Church, the Pope. देखिए, मैंने यहाँ पे underline किया हुआ है the smallest country in the world. दुनिया की सबसे छोटा देश कौन सा है, और वो घर है किसका? Roman Catholic Church के जो Pope हैं उनका घर है. तो the answer is Vatican City. अब यहाँ से दो question arises होते हैं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि द विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सो द आंसर इज वेटिकन सिटी. और सेकंड क्वेश्चन बनता है कि द होम टू द हेड ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च इज फिल इन द ब्लैंक्स, सो द आंसर इज वेटिकन सिटी. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इज होम टू द ग्रेट वॉल. उस देश का नाम बताइए जो दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है, और उसी देश के अंदर ग्रेट वॉल भी है. तो ग्रेट वॉल हमारी कौन से देश के अंदर आती है? चाइना. चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो द होम ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. ओके, सो आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, काबुल इज़ द कैपिटल ऑफ दिस माउंटेनियस कंट्री एंड पास्तो एंड दारी आर इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज. हमें उस देश का नाम बताना है, उस कंट्री का नाम बताना है जिसकी कैपिटल काबुल है, और उस कंट्री के अंदर पास्तो और दारी भाषाएं बोली जाती हैं. सो काबुल इज़ द कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान. सो द आंसर इज़ अफ़गानिस्तान. अब यहाँ से आपसे दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पास्तो एंड दारी आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री. सो द आंसर इज़ पास्तो एंड दारी आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफ़गानिस्तान. ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है. आई होप आप सबको समझ आया होगा. आप सब ने इसे रिवाइज़ करना है. इसके अंदर से कई सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं. आपने वो अपनी नोटबुक में लिखने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं. ओके, ओके, बाय बाय, टेक केयर.